खबर रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र से है, जहां दो दिन से लापता युवक का शव समीप के गांव के तालाब से बरामद हुआ है। मृतक की पहचान प्रदीप सिंह निवासी हरदुआ थाना सिमरिया के रूप में हुई है। बताया जाता है कि वह दो दिन से घर नहीं पहुंचा था, लेकिन परिजनों के द्वारा गुमशुदगी की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। शुक्रवार को शव देखे जाने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आनन फानन में सबको निकालकर मर्चुरी में रखवाया गया है और अज्ञात व्यक्तियों के संबंध में तलाश शुरू की गई है, जिसके बाद युवक की शिनाख्त हो पाई है। फिलहाल एफएसएल टीम सबका सूक्ष्म परीक्षण कर पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक के मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।